मैं तो लेके आया हूँ और एक नया वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे क्यों होती है, साथ में ये बताएंगे बारिश में क्या क्या पोषक तत्व तो है, और आपका काम में क्या, ये काम का कितना चीज है, बारिश बारिश से भीगना चाहिए कि नहीं, और फार्मर भाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ती है बारिश के ऊपर, तो भी पूरा बताएंगे। तो वीडियो में पूरा जरूर बना रहे। बारिश होने का मूल कारण है टेम्परेचर हाई होना, ठीक है। इसका कारण है टेम्परेचर की परिमाण बढ़ना, क्योंकि जब सनलाइट आती है तो झीलों में नदियों में जमा बाष्पीभवन होना स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमिडिटी के रूप में एयर में मिक्स हो जाता है, और टेम्परेचर जैसे हाई होता है तो ठंडा वायु के आसपास आते ही ड्रॉप में परिणत तो हो जाता है, धीरे धीरे ड्रॉप जब और ज़्यादा परिमाण में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो मेघ का आकार ले लेता है, और जैसे ही ड्रॉप एक साथ ये चार सब ड्रॉप मिल जाता है तो बारिश नीचे गिरना, क्योंकि भारी हो जाता है तो बारिश नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह देखा जाए तो एक सर्कुलेशन, एक चक्र है जो हमेशा चलती आ रही है और चलता ही जाएगा, होता है साथ में फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब पोषक तत्व तो है जो कि एनिमल और बर्ड्स के लिए बहुत अच्छे हैं। एनिमल और बर्ड्स की बीमारी को हटाने के लिए ये बारिश के पानी बहुत अच्छे है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छा ही है। बारिश के पानी में बहुत सारे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली पानी जैसे ही बॉडी में गिरता है तो एनिमल ऑब्जर्व कर लेती है और अपने हेल्थ अच्छे और बेहतर। उनके अंदर बारिश के कारण कीड़े आना स्टार्ट हो जाता है, इसके वायरस अटैक भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि लीटर गीला हो जाता है, तो लीटर का मैनेजमेंट इस टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कीड़े कीड़े का संभावना और वायरस की अटैक बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों। तो ये बातें जरूर ध्यान रखें बारिश आने से पहले, ये भी अच्छा नहीं है, भिगाना दिन भर भिगाते रहोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत एनिमल को ये जरूर खिलाए बारिश के टाइम में, ताकि एनिमल की इम्यूनिटी बूस्ट होके रहे और ये पोषक तत्व भी उसका शरीर में जाए, ताकि ग्रोथ भी मेंटेन्स रहे। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो बारिश का पानी एनिमल और बर्ड्स के लिए कुछ बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है, ये जरूर हो सके तो पिलाए, जितना संभव इतना संभव पिलाए। तो पानी के बिना जीवकुल जैसे अधूरी है, जीवकुल के बिना फरमार भाई भी अधूरी है, तो कोई ना कोई बारिश पानी और फरमार के साथ कनेक्टेड जरूर है, तो कभी भी नेचर के विरोध में जाके काम नहीं करे, क्योंकि इसमें मुसीबत ज्यादा आती है और कठिनाई भी ज्यादा आती है, तो हमेशा याद रखे नेचर के साथ हाथों में हाथ डाल के और उसके साथों में तालों में ताल मिला के अपने स्ट्रक्चर और फार्म की मैनेजमेंट करें, और एनिमल के ट्रीटमेंट भी नेचुरल प्रोसेस में करें, इसमें ना तो आपको खर्चा है और ना खर्चा भी कम है और मोर्टालिटी भी कम है और बेनिफिट सबसे आगे है, तो ये बातें जरूर नेचुरल प्रोसेस में आप फार्म की मैनेजमेंट करें, साथ में बारिश के टाइम में जो जो दिक्कत आती है उसके लिए जरूर अलर्ट रहे। ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे तो इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी फार्म में एनिमल और बर्ड्स, तो ये नेचुरल थिंग्स से आप एनिमल बर्ड्स को बाहर रखोगे तो ये बीमारियां आती रहेगी, और बीमारी का मेडिसिन पिलाते पिलाते आप थक जाओगे, लेकिन आपकी खर्चा भी नहीं है और आपका टाइम भी बचेगा और इजी प्रोसेस है, तो ये बातें जरूर अपनाना है, ताकि आपको भी फार्म में सही तरीके से बेनिफिट आए और आप भी फार्म के काज आसानी से निपटा सको और आसानी से बेनिफिट कमा सको। बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाती है, तो इसी भाई को मैं कहना चाहता हूँ नेचुरल प्रोसेस में करिए, प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुत कुछ है, नेचुरल मेडिसिन भी है, वो आप यूज करिए, ठीक है ना, और करना है तो हर्बल मेडिसिन यूज करें वो भी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके दोस्तों, बाय।